छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास पर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के दौरान पीएम आवास को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ था। हाल ही में हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रधानमंत्री आवास पर सदन गरमाया था। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा ने दिल्ली दौरे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से राज्य में सियासत गरमाना शुरू हुई। मैं आपको वो सारे पत्र उपलब्ध करा दूंगा जो केंद्र सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं। राज्यांश उपलब्ध कराओ। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया। वो सारे पत्र आप सबके पास है भी। जब हमने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया था, आप सबके सामने वो पत्र प्रस्तुत किया था कि कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया था गरीबों के साथ। और दो तरह की योजनाओं को मिक्स करके प्रस्तुत ना करें, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी। शहर के आवास की अलग व्यवस्था है, ग्रामीण आवास की अलग व्यवस्था है। और हमारी सरकार बनने के बाद शहरों में लगातार आवास बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए कि 5000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं और लगातार इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण आवास की स्वीकृति जैसे ही केंद्र से मिलेगी, क्योंकि इनके कारण आवास आवंटित नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने राज्यांश देने से मना किया। और आप सबके सामने है, क्या यूं ही इस्तीफा दिया था टीएस सिंहदेव जी ने? यह भी असत्य है। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखी थी यह भी असत्य है। अपने नेता की बात को यह झूठला सकते हैं? क्या कहा था उन्होंने? क्यों इस्तीफा दिया था पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से? स्पष्ट लिखा कि गरीबों को आवास मैं उपलब्ध नहीं करा रहा पाया हूं। आपसे बार बार आग्रह किया माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आपने दिया नहीं, यही तो कहा है उन्होंने। उसके बाद आज इस प्रकार की बात ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, कैसे झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रदेश की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। हाँ तो वो तो भाई विधानसभा के बाहर क्या आप बोल रहे हो और विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे हो? सरकार का लिखित बयान है, मेरे प्रश्न था, उसमें एक भी स्वीकृत नहीं किया। और स्वीकृत किए बता दें भाई, 8 महीने हो गया सरकार को, पहले कैबिनेट की बैठक फैसला है कि 18 लाख आवाज देंगे। बस इतना ही बता दे, 18 लाख आवास में कितना आपने सेंक्शन किया? बचे तो कोई मतलब नहीं। किसी भी हितग्राही को आपने पहला किस दिया क्या 18 लाख आवास में? तो गुमराह, आपके पास मीडिया है, आपके पास जनसंपर्क विभाग, कुछ भी छपवा सकते हैं, लेकिन किसी भी हितग्राही को, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, एक भी हितग्राही को विष्णुदेव साय की सरकार ने एक किस्त भी जारी किया है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये, पहले कैबिनेट की फैसला है। मैं उस दिन विष्णुदेव साय के भाषण भी सुन रहा था, हमारे पहले कैबिनेट की फैसला है 18 लाख लोगों का आवास। तो भैया मिला कितने को है? और फिर दूसरी बात यह है कि 2022 में आप कितना 5 करोड़ मकान बनाएंगे, ये फायदा था भारत सरकार का। तो जब बना लिए हैं तो फिर 3 करोड़ क्यों स्वीकृत कर रहे हैं? 3 करोड़ स्वीकृत देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो आपके ही दावा जो है सबको आवास मिल जाएगा 2022 तक के, तो मिला नहीं भारत सरकार के द्वारा, तभी तो आप 3 करोड़ फिर सेंक्शन किए हैं। जो ये कह रहे हैं शिवराज जी, ये 3 करोड़ के आवास तक कहाँ से पड़ गए? आपके पास तो नए जनगणना था ही नहीं भाई। जनगणना या तो बिहार सरकार ने कराया, छत्तीसगढ़ ने कराया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया ना हमने, और आर्थिक सर्वेक्षण कराया तो उसमें 47,000 ज़्यादा पाया गया। जो न आवास में आता ना आवास प्लस में आता ना आवास प्लस प्लस में आता, आवास का तो हो गया पूरा, आवास प्लस का भी पूरा हो गया, आवास प्लस प्लस का है मामला।
तो उसमें 18 लाख यदि छत्तीसगढ़ का है तो 2 करोड़ 82 लाख तो दूसरे राज्यों का है, तो केवल हमारी बात क्यों कर रहे हैं? और हमने तो केंद्र सरकार से मांग की नहीं दिया, हम अपने बजट में रखे थे पैसा, उसके बाद भी केंद्र सरकार अपना अंशदान नहीं दिए, तो हमने फैसला ये किया था कि ये केंद्र सरकार दे न दे, हमने 7.5 लाख लोगों को पहले किस्त जारी कर दिया था।